राम राम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर हार्डवेयर की। तो कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होते हैं और उनके कौन से यूज़ होते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर हार्डवेयर, ऑल द फिज़िकल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर दैट कैन बी टच्ड एंड सीन। कंप्यूटर के वो फिज़िकल पार्ट जिन्हें हम छू सकें और देख सकें, उन्हें कंप्यूटर हार्डवेयर कहा जाता है। ऑल द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट दैट मेकअप द कंप्यूटर, जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कंप्यूटर बनाते हैं उन्हें भी कंप्यूटर हार्डवेयर कहा जाता है। इट इंक्लूड्स द कंप्यूटर केसिंग, जो कंप्यूटर केसिंग होती है वो भी कंप्यूटर के हार्डवेयर में आती है। तो ये था हार्डवेयर। उसके बाद हम पढ़ते हैं सिस्टम यूनिट। तो सिस्टम यूनिट क्या होता है? अ सिस्टम यूनिट इज़ द पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर दैट कनेक्ट्स द प्राइमरी डिवाइसेस। सिस्टम यूनिट कंप्यूटर का वो पार्ट होता है जो प्राइमरी डिवाइसेस को कनेक्ट करता है। द सिस्टम यूनिट परफॉर्म्स एंड प्रोड्यूस रिजल्ट फॉर कंप्यूटर कैलकुलेशंस। सिस्टम यूनिट कंप्यूटर कैलकुलेशन के लिए रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। इट इंक्लूड्स द मदरबोर्ड, सीपीयू, रैम एंड अदर मोर। मदरबोर्ड, सीपीयू, रैम और दूसरे कंपोनेंट इसमें शामिल होते हैं। यह था हमारा सिस्टम यूनिट। और अब पढ़ते हैं मदरबोर्ड। द मदरबोर्ड इज़ द मेन बोर्ड विच कनेक्ट्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। मदरबोर्ड जो होता है कंप्यूटर का मेन बोर्ड होता है जो कंप्यूटर के मुख्तलिफ पार्ट्स कंपोनेंट्स को कनेक्ट, मतलब कि कंप्यूटर के जो भी कंपोनेंट्स होते हैं या पार्ट्स होते हैं, जैसे रैम हो गया, प्रोसेसर हो गया, स्लेट्स हो गए, वो सारे कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे कनेक्ट होते हैं। उसके बाद जैसे कि कंप्यूटर के मदरबोर्ड में आ जाते हैं माइक्रो प्रोसेसर, हमारा सीपीयू, स्लट्स, बसेस, रैम, रोम एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। ये था हमारा मदरबोर्ड। और उसके बाद पढ़ते हैं माइक्रो प्रोसेसर। सीपीयू आर माइक्रो प्रोसेसर इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। द माइक्रो प्रोसेसर इज़ अ चिप कंटेनिंग मिलियंस ऑफ टिनी ट्रांजिस्टर। सीपीयू का जो माइक्रो प्रोसेसर है वो कंप्यूटर का ब्रेन होता है। और वो किस चीज़ से बना होता है? मिलियंस ऑफ टिनी ट्रांजिस्टर से बना होता है। माइक्रो प्रोसेसर इज़ मेड अप ऑफ सिलिकॉन। माइक्रो प्रोसेसर जो है वो सिलिकॉन से बनाया जाता है। द स्पीड ऑफ अ कंप्यूटर डिपेंड्स अपॉन द माइक्रो प्रोसेसर। कंप्यूटर की जो स्पीड होती है वो माइक्रो प्रोसेसर पर डिपेंड करती है। जितना माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड ज़्यादा होगी, कंप्यूटर की स्पीड भी उतनी ही ज़्यादा होगी। टाइप्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर: अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, क्लॉक, रजिस्टर्स एंड कैशे। ये था हमारा माइक्रो प्रोसेसर। उसके बाद है बसेस। इन कंप्यूटर द बसेस आर द इलेक्ट्रॉनिक पाथ्स ऑन व्हिच डेटा इज सेंट एंड रिसीव्ड। कंप्यूटर के अंदर बसेस जो होती हैं इलेक्ट्रॉनिक पाथ्स होती हैं जिन पर डेटा सेंड की जाती है और रिसीव की जाती है। बसेस आर जस्ट लाइक रोड्स एज कनेक्ट्स डिफरेंट प्लेसेस। जैसे कि रोड डिफरेंट प्लेसेस को कनेक्ट करते हैं। बसेस कनेक्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर टू ईच अदर। कंप्यूटर के जो भी पार्ट होते हैं उन्हें बसेस के ज़रिए कनेक्ट किया जाता है, यानी कि बसेस उन्हें कनेक्ट करती हैं। और बसेस क्या काम करती हैं? रोड की तरह, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, लाइक अ बस। बसेस आल्सो कनेक्ट ऑल इंटरनल कंपोनेंट्स ऑन द कंप्यूटर मदरबोर्ड। यानी कि कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे जो भी पार्ट्स होते हैं वो बसेस के ज़रिए कनेक्ट किए जाते हैं। टाइप्स ऑफ बसेस, अब एग्जांपल पे आते हैं। टाइप्स ऑफ बसेस क्या हैं? कंट्रोल बस, डेटा बस और एड्रेस बस। तो ये था हमारा बसेस। और उसके बाद हम पढ़ते हैं इनपुट डिवाइसेस। यहाँ पे हम सिर्फ कीबोर्ड, माउस और इमेज स्कैनिंग, जो तीन मेन इनपुट डिवाइसेस हैं, उनके बारे में जस्ट पढ़ेंगे। कीबोर्ड डिवाइस कौन सी होती है? कीबोर्ड इनपुट डिवाइस ऐसी होती है जिससे हम कोई भी डेटा इनपुट करते हैं, जैसे नंबरिंग में, टैक्सिंग में, तो वहाँ पे हमारा कीबोर्ड यूज़ होता है। और क्विक पॉइंट यानी कि ड्राइंग में वगैरह हम यूज़ करते हैं, ड्राइंग शेप वगैरह में, तो माउस का यूज़ करते हैं। इसलिए माउस भी क्या है? हमारा इनपुट डिवाइस है। और उसके बाद है इमेज स्कैनिंग। जब भी कोई इमेज स्कैन करते हैं, इसका मतलब है कि कोई भी हार्ड कॉपी स्कैन करके सॉफ्ट कॉपी में जब हम चेंज करते हैं तो उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं, और उसका नाम होता है क्या? इमेज स्कैनर। तो ये थे हमारे इनपुट डिवाइसेस। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या? आउटपुट डिवाइसेस।
आउटपुट डिवाइस अ हार्डवेयर डिवाइस दैट सेंड डेटा फ्राम द कंप्यूटर टू एन अदर डिवाइस आर यूज़र इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस वो होते हैं जो कंप्यूटर की डेटा सेंड करे किसी और डिवाइस में या यूज़र की तरफ सेंड करे यानी कि रिजल्ट शो करे, उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। टाइप्स आ जाते हैं सॉफ्ट कॉपी आउटपुट और हार्ड कॉपी आउटपुट। तो ये थे हमारे आउटपुट डिवाइसेस, और उसके बाद हम पढ़ेंगे सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस जो कि उनका टाइप है। इट इज़ स्क्रीन डिस्प्ले और वॉइस आउटपुट। ये एक स्क्रीन डिस्प्ले होता है या फिर वॉइस आउटपुट होता है। इट इज़ वॉलेटाइल आउटपुट एंड लॉस्ट व्हेन अदर आउटपुट इज शोन आर कंप्यूटर टर्न्ड ऑफ। मतलब कि ये एक वॉलेटाइल आउटपुट होता है यानी कि मखसूस टाइम के लिए होता है। अगर लाइट चली जाए, कंप्यूटर टर्न ऑफ हो जाए या कोई और आउटपुट हम शो करते हैं तो ये आउटपुट क्या हो जाता है, गायब हो जाता है यानी कि पीछे छुप जाता है, वैनिश हो जाता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ आउटपुट। आउटपुट के दो टाइप हैं, एक होता है प्रिंटर, दूसरा होता है प्लॉटर्स। प्रिंटर क्या होता है, जब हम किसी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारा शो होता है, और प्लॉटर्स भी उसी तरह से, लेकिन प्लॉटर्स का काम कुछ अलग है, जैसे कि मैप बनाना, मैप ड्रा करना। अगर आप कंप्यूटर और जनरल टेक्नोलॉजी के वीडियोस में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।